हेलो एवरीवन आई एम सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब और आज हम कवर करेंगे क्लास नाइन्थ इंग्लिश की मेन कोर्स बुक वी की सेकंड पोयम जिसका नाम है विंड तो विंड जो है वो एक तमिल पोयम है ठीक है ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल यानी कि एक तमिल की पोयम थी जिसे लिखा था ए के रामानुजन ने और इसे ट्रांसलेट किसे किसने किया इंग्लिश में सुब्रमण्य भारती ने तो विंड पोयम है वो तमिल की मेन पोएम है ए के रामानुजन इसके पॉइट हैं और ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया इंग्लिश में सुब्रमण्य भारती के द्वारा तो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं पेज नंबर थर्टी वन का फर्स्ट क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट द पोएम का व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा अब फर्स्ट स्टेंजा के अकॉर्डिंगली जो हवा है विंड है वो क्या, क्या क्या काम करती है यानी कि विंड के द्वारा क्या, क्या क्या काम होता है सो वैन द विंड लोज वायलेंटली अब विंड जो है हवा जो है काफ़ी ज़्यादा तूफ़ानी यानी कि तेज़ी से जब चलती है इट रेस्ट्रोय एवरी तो वो क्या है सब कुछ ख़त्म कर देती है सारा विनाश कर देती है हर एक जगह का इट ब्रेक्स शटर्स ऑफ विंडोज स्कैटर्स द पेपर्स थ्रो द बुक्स डाउन फ्राम द शेल्फ्स टीयर्स देयर पेजेस एंड ब्रिंग अलॉन्ग अ लॉट ऑफ रेन अब जब ऐसी तूफानी हवा चलती है तब जो खिड़कियां हैं वो एकदम से शटर ए, इट ब्रेक्स शटर ऑफ़ विंडोज़ तो विंडोज़ के जो खिड़कियों के जो शटर्स होते हैं गेट्स होते हैं वो क्या टूट जाते हैं और जो पेपर्स पड़े होते हैं वो भी इधर उधर उड़ने लग जाते हैं और थ्रो द बुक्स डाउन फ्रॉम द शेल्फ और जो शेल्फ के ऊपर बुक पड़ी होती हैं जितनी भी वो सारी क्या नीचे की तरफ गिर जाती हैं टी एस डी पेजेस और उनके पेजेस भी हैं वो फट जाते हैं एंड ड्रिंग अलॉन्ग लॉट ऑफ रेन और उसी के साथ क्या काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश भी आने लग जाती है अब सेकंड क्वेश्चन आपका खुद का रिव्यूज पूछे हुए हैं तो हम डायरेक्टली थर्ड क्वेश्चन करते हैं सो व्हाट डज द पॉइंट से विंड गॉड विनोज तो इस इसमें पॉइंट ऐसा क्यों कहता है द विंड गॉड विनोज वर्ड क्यों कहता है सो so, यहाँ पर देखते हैं द विंड गॉड विनोज मीन्स अब यहाँ पर विंड गॉड विनोज का मीनिंग क्या है दैट नेचर शिफ्ट द वीक थिंग्स फ्रॉम द स्ट्रॉग वंस कि जो नेचर है जो प्रकृति है वो कमज़ोर चीज़ों को स्ट्रोंग चीज़ों से अलग कर देती है शिफ्ट कर देती है यानी कि छान कर अलग कर देती है एवरी थिंग दैट इज़ टोस्ड बाय द पावरफुल विंड एंड गेट डिस्ट्रॉयड हर एक चीज़ को क्या है हवा में उछाल दिया जाता है टोस्ड किया जाता है किसके थ्रू पावरफुल विंड के थ्रू यानि कि जो वोलेंटली जो विंड चल रही होती है डिस्ट्रॉय करने वाली उसके द्वारा हवा में उछाला जाता है एंड गेट गेट्स डिस्ट्रॉयड और उसका जो है विनाश कर दिया जाता है पूरी तरह से हवा के द्वारा ही जस्ट लाइक द विनोवर्स सेपरेट इज द ग्रेन्स ऑफ वीट फ्रॉम द शेफ चेफ़ सिमिलरली द विंड गॉड सेपरेट इज द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉ अब जैसे कि विनोवर्स होते हैं यानी कि विनोवर्स क्या होते हैं जैसे खेतों में जब फसलों की कटाई होती है तो मान लीजिए गेहूँ है तो गेहूँ में से वीट में से जो ग्रेन्स हैं उसके जो दाने हैं वो अलग किए जाते हैं छाने जाते हैं तो उसको छानते हैं जो वो होते हैं विनोवर्स ठीक है तो विनोवर का विनोव का मीनिंग भी एक तरह से छाँट कर अलग करना ही होता है तो जब वो छाटनी करने वाले जब ग्रेन्स को वीट के ग्रेन्स को छान कर उनकी पत्तियों से अलग करते हैं उनके शेफ से यानी कि उनके जो छिलके होते हैं उनसे अलग करते हैं उसी तरह जो विंड गोड हैं वो भी कमज़ोर लोगों को स्ट्रॉन्ग लोगों से सेपरेट कर रहे हैं अलग कर रहे हैं तो यहाँ पर विंड गॉड का ये मीनिंग आता है अब फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड अब अगर हमें विंड का हवा का फ्रेंड बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा सो वी मेक फर्स्ट वी मस्ट मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू फेस द व अगर हमने इस तूफानी हवा को फेस करना चाहते हैं तो हमें पहले खुद को मजबूत करना होगा हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनना बनाना होगा वेन वी विल भी स्ट्रांग अब ज अगर हम स्ट्रांग हो जाएंगे दिन विल नॉट हार्म तो जो हवा है तूफ़ानी हवा वो हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी इन स्टेड इट विल बिकम ए फ्रेंड एंड हेल्प टू ग्रो एंड फ्लोरिश और इसकी बजाय क्या होगा ये हमसे दोस्ती कर लेगी एक तरह से और हमें बड़े होने में यानी कि हमें मुश्किलों को सहन करने में भी हेल्प करेगी यानी कि अगर हम हवा के बहाव को रोकना सीख जाएंगे तो क्या है हम मुश्किलों से भी आ, मुश्किलों से भी बचना सीख लेंगे और खुद को बढ़ा पाएंगे फ्लरिश कर पाएंगे यानी कि इसमें एक्सप्लोर कर पाएंगे खुद को तो फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डू द लास्ट फोर लाइंस ऑफ द पोए मीन टू यू तो इस पोएम की जो लास्ट की फोर लाइंस है उसके अकॉर्डिंगली क्या मीनिंग आता है आप बता सकते हैं इसके बारे में तो चेक करते हैं द लास्ट फोर लाइन्स ऑफ द पोएम कैरी एन इम्पोर्टेंट मैसेज अब लास्ट की जो चार लाइनें हैं उसके अकॉर्डिंगली पोएम का एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है दैट द स्ट्रोंग पीपल एमर्ज स्ट्रॉगर एंड विक्टोरियस इन द फेस ऑफ एडवर्टाइज एडवर्सिटीज सो जब भी इसमें इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है कि जब भी कोई एडवर्सिटीज़ आती है कोई भी विपत्ति आती है तो जो स्ट्रोंग पीपल होता है वो खुद को और स्ट्रॉन्गर कर लेता है यानी कि और ख़ुद को मजबूत बना लेता है और विक्टोरियस हो जाता है कि इस विपत्ति को हम सहन कर सकते हैं अब खुद को मजबूत बना लेता है एक तरह से सो वी मस्ट मेक अवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग लाइक अ बर्निंग फायर विच ग्रोज एंड फ्लोरिशेज इन द वॉयलेंट विंड तो हमें भी खुद को क्या है मजबूत बना लेना चाहिए किसकी तरह जलती हुई आग की तरह जैसे कि जलती हुई आग जो है वो हवा में वॉयलेंट विंड में क्या है खुद को और बड़ा करती जाती है और खुद को फ्लोरिश करती है फैलाती जाती है वी ऑल्सो प्रोस्पर इन द फेस ऑफ चैलेंजेस तो जब भी हमें भी कोई भी चैलेंज मिलता है तो हमें भी खुद को उसमें एक्सप्लोर करना चाहिए बढ़ाना चाहिए ताकि हम उस, उसको पार कर सकें उसमें स्ट्रांगर बने रहें तो जैसे भड़कती हुई आग जो है हवा की वजह से और ज़्यादा बढ़ सॉरी जो तेज़ हवा होती है हो, उसमें जो आग है वो और ज़्यादा खुद को फैलाती जाती है बढ़ाती जाती है उसी तरह हमें भी विपत्तियों में खुद को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए ताकि कोई भी चैलेंज uh, आए तो हम उसे इजीली एक्सेप्ट कर सकें और इजीली उसको क्रॉस कर सकें तो ये विंड क्वेश्चन विंड पोएम के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हो गए हैं तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो डिस्क्रिप्शन uh, में एक लिंक दिया हुआ है भाई उस पर क्लिक कर लेना तो उससे क्या है आपकी जो ये पोएट्री वाला सेक्शन है उसके जो सारे वीडियोस हैं वो आपको वहीं उसी सेक्शन में मिलेंगे तो जैसे जैसे अपलोड होंगे वो आपको मिलते जाएंगे ठीक है थैंक यू